नमस्कार, आप देख रहे हैं द मुकेश राजपूत शो और आज हमारे शो में विशेष मेहमान हैं अरविंद शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी से रोहतक से उम्मीदवार हैं। बहुत नमस्कार, राम राम। नमस्कार। अभी कैसी चल रही है तैयारी इलेक्शन को लेकर? देखिए, इलेक्शन की भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी जब से इलेक्शन जीतती है उसी दिन से ही इलेक्शन मोड में रहती है। सेवा ही संगठन, लगातार लोगों के बीच में जाना, लोगों से बातचीत करना, विकास के कामों में पार्टी का, सरकार का बढ़ चढ़ करके सिस्टम रहता है, तो उसी दिन से इलेक्शन मोड में रहती है। और अब तो इलेक्शन है तो बहुत अच्छे तरीके से सभी हमारे साथी बहुत अच्छे तरीके से लग करके, और जो जितने काम हुए हैं केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, जो एक मेंबर पार्लियामेंट के जरिए से जो काम हुए हैं, उन कामों को लेकर के लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। अगर हम देश की बात करें तो ये चुनाव जो है ये मोदी वर्सेस राहुल बता रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर खास तौर से रोहतक सीट की बात करें तो ये जो चुनाव है बताया जा रहा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनका गढ़ है, उनके बेटे यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा खड़े हुए हैं, और जो कांग्रेस के आदमी हो कहते बाकी तो पता नहीं, लेकिन ये वाली सीट तो हमारी पक्की है, इस पे तो हम जीतेंगे जीतेंगे। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो कोई भी चुनाव हो उसको बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो गढ़ की बात कर रहे हैं कि हमारा गढ़ है, हमारी सीट पक्की है, गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ जनता का है। और जनता ने ये सिद्ध भी कर दिया 2019 में कि किसी का गढ़ नहीं होता, गढ़ जनता का है, गढ़ 36 बरादरी का है। और उन्होंने इस झूठ को जो ये अपने ऊपर लिए घूमते थे उसको सच में तब्दील करने का ये काम किया कि गढ़ जो है वो जनता का है। और रही बात इसकी कि भाई हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों में जोश है, लोगों में जोश है, और जोश हो भी क्यों ना, काम इतने काम हुए अंत उदय आखिरी छोर तक, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अरे एक ऐसी ऐसी योजनाएं दी हैं जो गरीब से गरीब को उसका लाभ है। जी, आप बिरादरी की बात कर रहे थे तो ये वाला जो चुनाव है खासतौर से रोहतक का या हरियाणा की बात करें तो इसमें जो आम आदमी कह रहे हैं कि ये जाट बिरादरी और नॉन जाट बिरादरी का चुनाव बन गया है जिसका फायदा अरविंद शर्मा को मिल सकता है, एक ये वाला जो पॉजिटिव फैक्टर है वो जनता बता रही है, और दूसरा जो कोसली विधानसभा है वो पिछली बार आपकी फेवर में गई थी तो इस बारी भी जो सारा दारोमदार है वो कोसली से ही है। देखिए, ऐसा है कि ये कांग्रेस वाले, ये दीपेंद्र हुड्डा फैमिली, ये इस इलेक्शन को इस डायरेक्शन में ले जाना चाहती है जाति पाति पर। मैंने तो कभी चार बार में सांसद रहा हूँ जनता के आशीर्वाद से, कभी जाति पाति पर इलेक्शन लड़ाई नहीं। सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, कभी हमने जाति पाति पर इलेक्शन लड़ाई नहीं। ये कांग्रेस पार्टी वाले हमेशा इलेक्शन को इस मूड, इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, हमेशा इनकी फितरत है जाति पाति पर इलेक्शन लड़ना। हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी और मैं खुद जो है, हमने कभी भी जाति पाति पर चुनाव नहीं लड़ा, हमने तो सबको साथ लिया है, हर एक को साथ लिया है। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप एक बहुत ही मंझे हुए राजनेता हैं, वैसे पेशे से तो आप BDS हैं, लोगों के दांत ठीक करते हैं, BDS और MDS MDS हैं, तो हर एक जगह की नब्ज आप पकड़ते कैसे हैं? सोनीपत से कभी चुनाव लड़ देते हैं, कभी करनाल की बात कर देते हैं, कभी पानीपत से आ जाते हैं, पॉलिटिकल भी आप आज भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन अनुभव कांग्रेस का भी रहा है। देखिए, ऐसा तो है, हमने निर्दलीय चुनाव भी जीता जी। भारतीय जनता पार्टी से मैं सांसद हूँ और उम्मीदवार हूँ। हमारा मूल मंत्र है
मेरे दादाजी पंडित जानकी प्रसाद जी उच्च कोटि के संत थे, कबीरपंथी थे वो, और उन्हीं से हमने सीखा सेवा 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 सेवा। हमारे पास और कुछ नहीं है, सेवा है, आए गई की सेवा हर चीज़ में। अब जब गांव में जाते कहीं जाते हैं प्रोग्राम में, कोई हमारे को कोई काम बताता है उसको ध्यान से सुनना, उसके लिए एफर्ट्स करना, ये भी सेवा है। हर एक काम में अगर आप जोड़ सकते हो तो हमारा सिर्फ मूल मंत्र सेवा है, और यही मंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, सेवा ही संकल्प उसी के सहारे। तो मैंने तो जिंदगी में लाइफ में जो भी चुनाव लड़े हैं जीते हैं वो सेवा मेरा डिपेंड जो है उस पर ही रहा। मेरे पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे श्री सतगुरुदास शर्मा जी, उन्होंने भी जो है यही मंत्र था उनका भी, और हमने कभी जिंदगी में घमंड नहीं किया, कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की, घमंड नहीं किया, सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र के साथ सेवा के साथ जो है हम चल करके हमने निर्दलीय चुनाव जीता। 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया, साथ दिया, और उसके बाद करनाल और फिर यहाँ रोहतक से जो है लोगों ने आशीर्वाद दिया, यही हमारा मंत्र है। अभी जो हरियाणा का चुनाव होने वाला है ये कहते इस बार थोड़ा सा विशेष है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से CCTV वगैरह की व्यवस्था करवाई गई है, और उसमें बताते हैं कि आपका काफ़ी योगदान रहा है। देखिए ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन भी, सरकार भी और जनता भी ये चाहती है कि इलेक्शन शुड बी फेयर, साफ इलेक्शन होना चाहिए, किसी दबाव में इलेक्शन ना हो। जो कांग्रेस की फितरत है झूठ बोलना, दुष्प्रचार, अफवाह फैलाना और भय का वातावरण पैदा करना लोगों में। मैं आपको बताऊं तो लंबा हो जाएगा, 2019 से पहले इन्होंने इतना भय का वातावरण और इतना दुष्प्रचार करके ये इलेक्शन को अपने फेवर में लेकर के जाते थे। इसमें एक्सपर्ट है, इस चीज़ में वो एक्सपर्ट हैं कि किस तरह से लोगों को बहकाना है, झूठ बोलना है, दुष्प्रचार करना। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमने यही कोशिश की है कि इलेक्शन साफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, साफ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए। उसी के लिए हमने कोशिश की और आज हमें नतीजा मिला है कि हर एक बूथ पर, इलेक्शन वाले हर एक बूथ पर CCTV कैमरे की व्यवस्था होगी, और वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है कंट्रोल होगी, और रोहतक में जो आपका इलेक्शन ऑफिस है वो कंट्रोल करेगा। एक एक चीज़ का जो है, छोटी छोटी चीज़, बारीकी चीज़ों का भी उनको संज्ञान लिया जाएगा, और यही सब का मकसद यही है कि इलेक्शन साफ हो, इलेक्शन फेयर हो। 2019 का जो चुनाव था बहुत ही रोचक चुनाव था, उस वक्त देशभक्ति की भावना से लोगों ने वोट दिया मोदी को। उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि बाकी जो 9 सीट्स हैं ये कांग्रेस की आ जाएंगी, रोहतक वाली जो है ये सीट भाजपा की झोली में नहीं आएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया, अनाउंस किया गया अरविंद शर्मा, तो अधिकतर जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, ब्राह्मण हैं, वो फेल हो गए। तो वो वाला जो चमत्कार था, क्या इस बार आपको लग रहा है कि इस बार भी वो दोहराया जाएगा? देखिए ऐसा है, मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 का चुनाव था, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव। हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, और 2019 में आपने देखा, आपने देशभक्ति की बात की, देशभक्ति की भावना जनता में कूट कूट करके भरी हुई है। जो हमारा इलाका है रोहतक का, झज्जर का, कोसली का, ये जो हमारा इलाका है जिसमें रोहतक अगर नाम लेता हूँ तो पूरा रोहतक डिस्ट्रिक्ट आता है, मैम भी आता है, गढ़ी सांपला कलोई भी आता है, कलानौर भी आता है, इसी तरह झज्जर के भी सारे ज़िले आते हैं, आप निकल जाओ सालावास, मातनेल, कोसली, रेवाड़ी, ये सारा इलाका शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानी बहादुरों का इलाका है। इस इलाके में देशभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। जैसे आपने कहा कोसली में आपने कुछ कमेंट किया था, कोसली के बारे में आपको, तो यही मैं कह रहा हूँ, ये देशभक्तों का इलाका है। और इस इलाके का आप देखो, हरियाणा का फोर्सेस में
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फोर्सेज में और पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह मिला करके 11% का योगदान हरियाणा का है, 11% का योगदान कोसले की बात। तो कोसली इलाका जो है उसमें मेजोरिटी ऑफ जो अपने लोग हैं जो उसमें, तो उसके मेजोरिटी जो है वो फोर्सेज में काम करती है, कोई आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई नेवी में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज में है। तो उन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, देश को आज़ाद करने में, देश की आज़ादी के बाद। कोई आप मेडल की बात करें, सेना मेडल की बात करें, विक्टोरिया क्रॉस की बात करें, वो आपको हर एक मेडल उस इलाके में मिलेगा। और हर एक युद्ध में, चाहे रजंगला हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे चाइना, हर एक युद्ध में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और शहादत दी है। तो वो लोग देशभक्ति का इलाका है ये लोग, सारे का सारा हमारा रोहतक करिए। तो आप समझ सकते हैं ये मोदी जी का इलाका है, मोदी जी देशभक्त हैं, मोदी जी का इलाका है। और सब मिलकर के उनको पता है कि 2019 में मोदी जी को जो बनाया, तो आप देखें, कोई आप पूछ सकते हैं कोई ये धारा 370-35 से कांग्रेस हटा सकती थी? कांग्रेस हटा सकती थी? अगर आप कहें कि भाई इसमें पॉलिटिक्स है, अरे धारा 370-35 हटने के बाद इतना अच्छे से जम्मू कश्मीर में शांति आई है, वहाँ पत्थरबाज थे वो ख़त्म हो गए, आपके जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी, उग्रवादी गतिविधियाँ थी, उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, यानी कि अब ना के बराबर उग्रवादी गतिविधियाँ हैं। और हमारे इलाके ने कुर्बानी दी है, 2014 तक 45,000 सैनिकों ने, जवानों ने, अफसरों ने शहादत दी है उग्रवादियों से लोहा लेते हुए। तो कितना बड़ी बात है धारा 370-35 से हटाना। बच्चा बच्चा जानता है कि इससे देश को कितना लाभ है, इससे देश को कितना लाभ हुआ है, जम्मू कश्मीर को कितना लाभ हुआ है, देश को कितना लाभ हुआ है। उसके बाद आ जाए 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर जो सिखों के लिए मील का पत्थर है, सिख भाइयों के लिए करतारपुर कॉरिडोर, और उसके बाद आए राम मंदिर, और उसके बाद आए आपका महिला आरक्षण। ये सारी चीज़ें ऐसा सिस्टम जोड़ती हैं कि मोदी जी में लोगों का और ज़्यादा विश्वास पुख्ता करती है, और ज़्यादा विश्वास बढ़ाती है कि मोदी जी हैं तो ये संभव। ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो मोदी जी की लीडरशिप में हुए हैं, और कोई कर भी नहीं सकता, और क्या सोच भी नहीं सकता। ये जो सारी चीज़ें आप गिना रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के, इन्हीं चीज़ों को हर एक जगह लेके जा रहे हैं, उपलब्धि है। चलिए आप की हम तारीफ करते हैं, आप तो इससे भी आगे बढ़ गए हैं। अभी गृह मंत्री अमित शाह पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जिस कोसली की आप बात कर रहे हैं, उस कोसली के पास ही 2 किलोमीटर की दूरी पर गाँव है झाल, वहाँ का मैं भी भांजा हूँ, उस इलाके को मैं भी समझता हूँ। अभी जो ये अग्निवीर योजना आई है, ये अग्निवीर योजना जो आपके वोटर्स हैं, जो सुबह उठकर बच्चा दौड़ लगाता है, एक्सरसाइज करता है इस उम्मीद के साथ कि सेना में भर्ती होगा, लेकिन बाद में पता लगता है कि 4 साल के लिए ही भर्ती हुई है, 4 में से मतलब एक जो होगा उसकी कंटिन्यू होगी, तो इसकी नेगेटिविटी फैक्टर आपको मिल रहा है देखने को? देखिए ऐसा है, अग्निवीर से हरियाणा के जवानों को 1% का भी नुकसान नहीं होगा। हम हैं, हरियाणा सरकार है, मोदी जी बैठे, 1% का भी नुकसान नहीं होगा। हरियाणा का जवान, आपने देखा भी होगा, हरियाणा का जवान सुपर जवान है, सुपर जिसे कहते हैं, सुपर जवान है। और ये आपने ये भी देख लिया कि सरकार ने किया है कि जो अग्निवीर में जो भर्ती होगा 25% वही 4 में उसको उसको रखा जाएगा। तो मेरा हरियाणा का जवान, जब मैंने बोला सुपर जवान है, उसके बाद अगर मान लो कोई रिटायर होकर के आता भी है, उसका पुलिस तो उसका रिटायर होकर के आएगा, हरियाणा सरकार ने कर दिया है कि 10% का जो है आरक्षण जो है उसमें रिजर्वेशन रहेगा अग्निवीर का। तो हरियाणा के जवान को मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ये दूसरी पार्टियाँ गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ
हरियाणा के किसी भी जवान को अग्निवीर का नुकसान नहीं होगा, जब वो रिटायर होकर के आएगा उसको कोई नुकसान नहीं होगा। आपका जैसे मैंने शुरू में कहा, आप एक मझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, लोग और ख़ासतौर से जो आपकी ओपोजिशन है कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये चुनाव तो कहीं से भी जीत जाते हैं। आपने खुद ही बताया कि भाजपा से भी जीत गया मैं, इंडिपेंडेंट भी जीत गया, कांग्रेस पर भी जीत गया, सोनीपत से भी जीत गया। इस बार जो आपकी हाजिरी रही ना संसद में, उस पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। संसद में तो मेरी हाजिरी, संसद में मेरी हाजिरी सबसे ज्यादा रही है। अच्छा, ये कहते गए नहीं? नहीं नहीं, वो ये मैं आपने बोला ना, ये दीपेंद्र हुड्डा परिवार ये मास्टर है। अच्छा, ये सफेद को काला करने का मास्टर है और काले को सफेद करने का मास्टर, मैं हकीकत बता रहा हूँ। यानी कि मैं, मेरा दैनिक जागरण में छपा, दैनिक जागरण में मेरा, आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट। दैनिक जागरण ने एक विश्लेषण निकाला पूरा कंप्लीट जा करके नोडल एजेंसी से लेकर के, ठीक है। तो इन्होंने दैनिक भास्कर से, पता नहीं इनकी क्या बात हुई, क्या बात है, कहां से ये डेटा ले, बिल्कुल झूठा डेटा। अच्छा, और बार बार मैंने चैलेंज किया उसको। हाँ। आज भी चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने आ जाए, बैठ जाए, एक एक चीज का हाजिरी का रिकॉर्ड होता होगा ना वहां, पूरा रिपोर्ट आप जाके दिखा दो। तभी तो मैं कह रहा हूँ, एक एक चीज का रिकॉर्ड है और उसमें मैं नंबर वन हूँ। आप नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ, मैं जो वो जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ, ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं, यही तो संसद में तो जाते हैं लोगों से कम मिलते हैं। नहीं नहीं, असल ही बात मिलने की, 1925 प्रोग्राम मैंने पिछले 5 साल में, उसकी भी मैंने कॉपियां दे दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और मैंने उससे पूछा, तुम बताओ तुम कितनी बार गए, तुम 10 साल का तुम अपना हिसाब दो, तुम मेरा हिसाब ले लो। तो ये तो गुमराह करते हैं। मैंने फिर बोला आपको, ये इस चीज के मास्टर हैं, झूठ अफवाह दुष्प्रचार और भय का वातावरण करने के मास्टर हैं। लोगों ने इनको पकड़ लिया है, लोगों ने इसको बहुत अच्छे से राजनीतिक तरीके से, बहुत अच्छे से लोगों की ये पहचान में आ गए हैं, लोगों ने पकड़ लिया है कि झूठे हैं, दुष्प्रचारी हैं। और यही एक कारण रहा 2019 को, 19 में इनको जो लोगों का नाराजगी का सामना करना पड़ा, और अब फिर वही हरकत कर रहे हैं, फिर वही हरकत कर रहे हैं। अब क्या कहा रघुवीर कादियान ने, अब बताओ, 5 साल के बाद रघुवीर कादियान कहता है कि अगर रिकाउंटिंग हो जाती तो मार काट हो जाती। 5 साल के बाद क्यों, अब क्यों कर रहा है, इस समय फिर से ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं कि लोगों में दहशत पैदा हो जाए, लोग वोट डालने ना जाए, दहशत पैदा हो, डाले तो हमारी डाले। अरे भाई, ये रोहतक लोकसभा की जनता है, ये बहादुरों की, देशभक्तों की जनता है, देशभक्तों की जनता है, ये मोदी जी के परिवार की जनता है, मोदी जी का परिवार है, ये नायब सैनी का परिवार है, ये किसी से डरने वाला नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल देना। और अब की बार बिल्कुल इलेक्शन कमीशन चप्पे चप्पे पर नजर होगी, एक वोट भी बोगस नहीं पड़ सकती। इस वक्त तो जो मोदी परिवार है उसी से डरे हुए लगते हैं लोग, आप उल्टा बोल रहे हैं कि विपक्ष। मोदी परिवार है तो 140 करोड़ का देश है। हाँ। राजपूत जी, हाँ। 140 करोड़ के देश में आप समझ सकते हैं, जो लोग जिन्होंने सारी उम्र भ्रष्टाचार घोटाले, जिनके खून मुंह लगा हुआ है, वो लोग मोदी जी से नाराज रहते हैं। बाकी देश की बात करो, आप अब की बार नारा दिया 400 पार का, आप देखना 400 पार, 100% 400 पार का नारा जो कामयाब होगा, नारा क्या, ये हकीकत है। जिन लोगों को, जो वही लोग जो 2014 में जो घोटाले भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वही ऊपर वही नीचे, वही लोग शोर मचा रहे हैं। अब कर्नाटका में क्या किया इन्होंने, कर्नाटका में ओबीसी आरक्षण में 4% आपने मुस्लिम को घुसा दिया, मुसलमानों को। अरे भाई, उनको अगर आपने करना है तो कोई दूसरा रास्ता निकालो ना। अब आपको ओबीसी में क्यों घुसा दिया आपने। दूसरी चीज़ आप देखें, आपको मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ कि आधा किलोमीटर खून ही खून, गायों की कटाई हो रही है वहाँ पर, केरला में, जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहा है, कौन सा, वायनाड से। ये चीज़ें मंदिरों पर, कर्नाटका में
मंदिरों पर ट्रस्टों पर टैक्स लगा दिया आपने, और जो पैसा आ रहा है 450 करोड़ रुपये इकट्ठा हुआ, 350 करोड़ रुपये आप वहाँ मदरसों मस्जिदों में दे रहे हैं। ये फितरत है इनकी, इनकी फितरत अशांति, लोगों में ऐसा माहौल पैदा करना कि लोगों के अंदर पाटत रहे, पाटत समझते ना, डिवीजन रहे, ये इनकी फितरत है जी। ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 5 साल आपको जनता ने दिए और एक ऐसी जगह से जीते जिस जगह से एक्सपेक्ट जनता और राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं कर रहे थे, ये जो 5 साल रहे इसमें आपके 5 ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको आप गिनवा सकते हैं? 5 में आपको 50 काम गिनवा देते हैं, आप 5 गिनवा दीजिए और 5 ऐसे जो आप करेंगे। सुनो, ये किसको काम मानते हैं? पहली बात तो ये है, ये मेरी समझ में नहीं आता, ये किसको काम मानते हैं? इन्होंने जो काम किए 2014 तक, ये ना 4 से 14, ये कहते हमने बहुत काम किए, हमने बहुत अच्छे काम किए, कह रहे हैं ना ये हमने बहुत काम किए, हमारे कामों के उसमें कंपैरिजन में आओ। इन्होंने अगर इतने बढ़िया काम किए होते, आप तो बहुत पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, तो 2014 में इनकी 15 सीट क्यों आती? अरे भाई काम करने वाले की तो जय जयकार है, मोदी जी ने काम किए, 2014 में आए, 19 में 303 सीटें आई, काम किए थे, काम के बाद दम पे आई, अब हम 400 की बात कर रहे हैं तो काम के दम पे तो कर रहे हैं। इन्होंने अगर इतने अच्छे काम किए थे तो 2014 में 15 सीटें क्यों आई? अब पूछना इनसे, इनका भी इंटरव्यू लेना, 15 सीटें क्यों आई? क्यों? कि इनके जितने काम हैं, जितने काम हैं इनके, उनमें भ्रष्टाचार की बू है, उसमें पैसे की बू आती है। आप देखें भैया रोहतक का इधर बाईपास जो बना रहे थे, लोग बताते हैं आकर के, बाईपास किसानों को नहीं बताया, उनकी जमीन ले ली कोड़ियों के दाव को 12 लाख रुपए, को 14 लाख रुपए, 18 लाख रुपए ले ली, बाईपास निकालना था उसको, उनको पता था, अपने लोगों को बता दी कि यहाँ से निकलेगा, उनको नहीं बताई, उनके भाव ले लिए उन्होंने, खरीद ली उन्होंने भी कोड़ियों के भाव खरीद करके, और आप देखें फिर उसके बाद क्या हुआ है। तो लोगों को 14 में भी कांटा मार दिया इनको, 19 में भी कांटा मार दिया उनके कामों की बात। अब रही बात हमारे कामों की, हमारे कामों में भी घुस जाते हैं भाई, हमने करे, सुन तुम, अब 2014 में सत्ता से चले गए, ठीक है, कोई काम 2009 में 12 में मान लो इन्होंने कोई दस्तखत कर दिए गलती से, उदाहरण बता रहा हूँ। अब ये रोहतक महम और हांसी लाइन जो है, ये इन्होंने कहते हैं भाई हमने कराया ये काम हमने कराया, मैं बता रहा हूँ थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब उसमें 2015 में, अब इन्होंने तो कर कुरा दी, पता ही नहीं क्यों नहीं पता कि अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए लैंड चाहिए, पैसा चाहिए और उसकी डीपीआर, लैंड तो इनको कोई देता नहीं, क्योंकि सबको पता था, एक्सपोज हो गए थे कि भाई ये तो अगर लैंड लेंगे तो इसमें धोखा करेंगे, साइन तो कर दिए लेकिन डर गए कि लैंड ली नहीं, लैंड लेते, अगर इतना ईमानदारी से प्रोजेक्ट था तो फटाफट जमीन एक्वायर करनी चाहिए थी, पैसा उसका रिजर्व करना चाहिए था, डीपीआर बनती, वो काम शुरू हो जाता, तब तो इनका मानते हैं हाँ भाई इनका सिस्टम है, जब जिस चीज़ को करना चाहते थे उस चीज़ को कर ही नहीं सकते थे, वो लैंड एक्वायर कर ही नहीं सकते थे, इनको पता था, बस करके रब ने रख दी। 2015 में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने फाइनेंशियली बजट उसका तय किया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का है ना, दोनों की मिल करके, और उसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू हुई, पैसा दिया गया, लैंड एक्वायर की गई और उसकी डीपीआर बनी, और अब जा करके वो काम कंप्लीट हुआ, 890 करोड़, 900 करोड़ का वो काम है। अब बताना आप ये कहाँ से आ गए, और जब वो ट्रेन चली उस पटड़ी के ऊपर तो जनाब दीपेंद्र हुड्डा सबसे पहले डब्बे में खड़े होकर के झंडा लेकर के, भाई हमने ये काम कराया, हमारी ट्रेन में चढ़ गई। चलो ट्रेन तो जनता की, नहीं, क्योंकि नहीं, नहीं, चुनाव के दिन हमारी का मतलब, हमारी का मतलब बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया। मैं तो कहता हूँ जनता का काम है, जनता ने किया, लेकिन ये अपने उसको भी श्रेय ले रहे हैं, हमने अपने उसमें डाल रखा, उसने वीडियो में भी ये काम मेरा ये। अरे भाई तुम सारे के सारे, अब कुंडली मानेसर इनके टाइम में शुरू हुआ, इनके टाइम तो क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, अधूरा छोड़ करके भाग गए, ठेकेदारों उसको इतना तंग कर दिया, जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो छोड़ करके भाग गए, भारतीय जनता पार्टी आई उसने पूरा किया,
उसने पूरा किया। ऑर्बिटल रेल, ऑर्बिटल कॉरिडोर जो कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे है, उसी के तर्ज पर एक रिंग ऑर्बिटल कॉरिडोर बनेगा रेल का। 5,600 करोड़ की लागत से वो काम है, मानेसर से शुरू हो गया है वो काम। ये गढ़ी सांपला, सॉरी सांपला वाला ये एलिवेटेड जो बन रहा है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा 33 साल से ताकत में है, 33 साल से। आज तक कभी आवाज़ उठाई हो और आप पूछना उस पर कितनी कैजुअल्टीज़ हुई, कितनी कैजुअल्टीज़ हुई, आप भी हैरान हो जाओगे कितनी कैजुअल्टीज़ के बाद ये बात रखी नहीं गई। आज भारतीय जनता पार्टी है, हमने उस काम को शुरू कराया है और अब वो काम खत्म होने के कागार पर। आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक मिनट जी। अब रोहतक झज्जर से फर्रुखनगर होकर के रेल लाइन के लिए 1,225 करोड़ रुपया होकर के उस पर भी काम शुरू हो जाएगा, मतलब चल रहा है। तो अच्छा दूसरी चीज़ और बता, क्या ये 59 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड ये काम नहीं है? बताएं आप, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि ये काम नहीं है? उनको दबा देते नहीं 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 ये काम नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और बताओ काम और कौन से, आप सुना नहीं काम नहीं है ये? 4,20,000 लोगों का जिला रोहतक, ओनली डिस्ट्रिक्ट रोहतक की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूंसी में तो होगा लगभग 10 लाख के करीब, लगभग जो है 9-10 लाख के करीब आयुष्मान कार्ड, 4,20,000 आयुष्मान कार्ड रोहतक में अकेले रोहतक जिले में बने, क्या ये काम नहीं है? क्या गरीबों को 4 करोड़ घर देना काम नहीं है? क्या महिलाओं को 10 करोड़ से ऊपर उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देना काम नहीं है? क्या स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 12 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट्स बनाना काम नहीं है? क्या जनधन खाते खुलवाना काम नहीं है? एक मिनट, उनके प्रधानमंत्री कहते थे, राजीव गांधी कहते थे कि सिर्फ 15% पैसा आम जिसका लाभार्थी उस तक पहुंचता है, वो कहते थे रिकॉर्ड है। क्या 100% पैसा लाभार्थी के खाते में जाना भेजना वो काम नहीं है? इनसे पूछो ना काम क्या होते हैं। अरे काम तो जनता के लिए है, काम जनता के लिए है, तो ये काम नहीं है क्या? पूछो ना इनसे, पूछना इनसे, क्या 59 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड काम नहीं है? सोचा था कभी? एक गरीब आदमी, एक मैं आपको उदाहरण बताते, गांव में मैं गया, बुजुर्ग ने कहा 42 साल का मेरा बेटा, अचानक उसको तकलीफ होगी रात को, बोला सिवाय जे आयुष्मान कार्ड के हमारे कुछ नहीं था। वो गया हॉस्पिटल में जा करके उसका ट्रीटमेंट हुआ, हार्ट का प्रॉब्लम थी, उसकी जान बची। तो क्या पता है इनको, कुछ नहीं पता इनको, ना मानवता का पता है इनको, सिर्फ एक ही चीज़ आती है किसी भी तरह से इलेक्शन जीतना है। अरे चुनाव लोकसभा का चुनाव के जरिए से क्या होगा, प्रधानमंत्री चुना जाएगा, और ये उसको कह रहे हैं जी अरे लोकसभा का चुनाव है हमें मुख्यमंत्री बना दो, और दीवारों पे लिख रखी है उल्टे सीधे स्लोगन इनके खिलाफ। तो मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन को इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, केस रजिस्टर होना चाहिए, किस तरीके से किस सिस्टम में ये बात कर सकते हैं, कौन से कानून के तहत में ये ऐसे स्लोगन दे सकते हैं, दे ही नहीं सकते। तो आपने शिकायत करनी, नहीं नहीं नहीं, गुमराह नहीं, सुनते गुमराह करते हैं, मैं शिकायत सिकूत करने में विश्वास कम रखता हूँ, मैं शिकायतों में विश्वास कम रखता हूँ, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, इतना ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, कुछ करना धरना कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह करके वे किसी भी तरीके से सत्ता हथियाने का रहता है, और सत्ता हथियाने के बाद इतना बड़ा सिस्टम है इनका, इतना बड़ा सिस्टम है कि वो सारे लगते हैं, फिर सारे लगते हैं पैसा बटोरने में, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, सारा परिवार सब रिश्तेदार इसी काम में लगते हैं। अरे लोगों को गुमराह करना छोड़ो, लोगों को क्यों, लोगों को ठग रहे हो तुम। हरियाणा की जनता बहुत शरीफ जनता है, मत करो ऐसा जी। मतलब मेरा मानना है कि मैं आपसे बहुत लंबा इंटरव्यू करूं, लेकिन आप ही के फायदे की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको चुनाव प्रचार के लिए निकलना है। तो आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि ये जो जनता आपको देख रही है, इससे आप अपील करेंगे या बताएंगे कि आपको अगर फिर से ये सांसद बनाएंगे तो जो ये आपकी कंस्टिट्यूएंसी है रोहतक, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, हम सब मिलकर के
सब मिलकर के उस संकल्प पत्र को, मोदी जी की गारंटी की गारंटी, हम सब मिलकर के उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, नंबर एक। नंबर दो कि जो हमने बोला है कि भादरगढ़ से आसोदा तो मेट्रो का हो गया है, आसोदा से सांपला और सांपला से रोहतक मेट्रो, मेट्रो ट्रेन को जो है उसको लाने का भरसक प्रयास करेंगे। हमने इस बारे में संकल्प भी किया है। संकल्प क्या किया है, अगर हम इस काम में कामयाब नहीं हुए तो मेरी अपनी पर्सनल मेरी राय है, मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। बड़ी बात, संकल्प किया, बड़ी बात कर रहा हूं मैं, संकल्प किया मैंने, पब्लिकली किया है, समझे। उधर ढांसा गांव से बादली और बादली से झज्जर तक मेट्रो लाने का हम पूरा अथा प्रयास करेंगे, उसी संकल्प के साथ जो मैंने अभी दोहराया है। RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज है आपका दिल्ली मेरठ, दिल्ली अलवर, दिल्ली पानीपत, सेकंड फेज में इस प्रोजेक्ट को भी हम लेकर के आएंगे सेकंड फेज में। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी रिगार्डिंग, जैसे कॉलेजेस की डिमांड आई हुई है, बेरी में है, डीगल में है, देयर सो मेनी थिंग्स। विकास का पहिया चलता रहता है, विकास का पहिया रुकता नहीं है, उसकी स्पीड कभी 100 की स्पीड हो जाती है, कभी 120 की स्पीड हो जाती है, कभी और बढ़ जाती है, लेकिन उसको रुकने नहीं देंगे। और आम जन के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्ड भाइयों के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, और आपके व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, नौजवानों के लिए, हर एक के लिए हम अपनी बात रखते रहेंगे। हमारे प्रयास जारी रहेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम इनके लिए काम करें और इनका जीवन और ज़्यादा सुखमयी हो, इस बात के लिए हमारे प्रयास, निरंतर प्रयास चलते रहे जी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बात और लंबी करते लेकिन आपकी फेहरिस्त लंबी है आज जो प्रचार की। लेकिन तो, एक चीज और है जी, मैंने इतना बोल दिया है, हाँ। मेरा कलम अपने आपके सारे सवालों के जवाब इसके जी, अंदर जी, समावेश है, अगर आप खोल के देखोगे तो सारे सवालों के जवाब जी बिल्कुल। और हमारे जो सारे सवालात थे उनका जवाब अरविंद शर्मा ने कितनी ईमानदारी से दिया, कितना हमें गोल गोल घुमाने की कोशिश की, इसका फैसला ना तो अरविंद शर्मा करेंगे ना हम करेंगे, इसका फैसला हमेशा की तरह आप करेंगे, क्योंकि आप जनता है और जनता सब जानती है। इसी के साथ अब द मुकेश राजपूत शो को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस शो के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ।